पानी में पीछे के तरफ से कैसे तैरना है वो आज आपको बताने वाले हैं, और किस प्रकार से तैरा जाता है वो भी दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले पीछे के तरफ से तैरने के लिए आपको अच्छे से स्विमिंग करने आना चाहिए। जब स्विमिंग करने सीख जाइएगा, पानी में पीछे की तरफ से तैरने के लिए आपको हाथ चलाने आना चाहिए और पीछे की तरफ से पैर चलाने आना चाहिए। दो तीन बातों का ध्यान अच्छे पूर्वक रखिए। इसमें भी आपको जब तक अच्छे से पीछे की तरफ से तैरने नहीं आता है तब तक आपको अधिक गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। लोग गहरे पानी में डूबने के लिए जाते हैं, तैरने सीखने के लिए नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस ऐसे आते रहते हैं, तो इन सारे बातों को ध्यान में रखना है। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से पीछे की तरफ से हाथ चलाना है। ये पीछे की तरफ से हम इसी प्रकार से तैरते हैं। अब तैरने से पहले आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहले अच्छे से पीछे की तरफ से हाथ चलाना आना चाहिए। इसी प्रकार से आपको हाथ चलाना है और पैर किस प्रकार से चलाना है वो दिखा देता हूं। जिस प्रकार से साइकिल चला रहे थे, साइकिल चलाते हैं उसी प्रकार से आपको आसानी पूर्वक पैर चलाना है। जब दोनों का कम्युनिकेशन एक साथ मिल जाए, यानी कि आपको पहले से अच्छे तरीके से तैरने आता है, स्विमिंग सीधा तैरने आता है, तो उतना कठिनाई नहीं होगी पीछे से तैरने के लिए। आप आसानी पूर्वक तैर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभ्यास कीजिएगा तो आसानी पूर्वक आप पीछे की तरफ से तैरने लगेगा। आपको पैर चलाने बता दिए, हाथ चलाने बता दिए। जब दोनों एक साथ चलने लगे आपको, एक दो समस्या क्या होगा कि नाक में एक दो बार पानी घुसेगा, डोंट वरी, थोड़ा कष्ट झेलना पड़ेगा, कुछ सीखने के लिए कुछ होना पड़ता है। उसी तरह नाक में एक दो बार पानी घुसेगा तो सहना पड़ेगा, उसके बाद आप आसानी पूर्वक तैरिएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से पानी के पीछे तैरना है। इसी प्रकार से आपको पानी के पीछे पानी पे लेट के इसी प्रकार से तैर सकते हैं। नाक में दो तीन बार पानी घुसेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।